कि राम 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 जपिए सदैव जीवन कभी भी ये यकारत न जाएगा। क्या बात। कि राम 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 जपिए सदैव जीवन कभी भी ये यकारत न जाएगा। रावणी को वृत्ति निज मन से निकालोगे तो मध्य राम आके खुद ही समाएगा। क्या बात है। अरे राम प्रभु राम प्रेम राम युग सृष्टि राम राम जिस रूप में देखोगे वही भाएगा। राम जिस रूप में देखोगे वही भाएगा। राम के बताए मार्ग पे चलो सदैव तब राम राज स्वयमेव यहाँ लौट आएगा। राम राज स्वयमेव यहाँ लौट आएगा। ट्रिगर दबाया गोली सिर के हुई थी पार अंतिम प्रणाम किया धरती को मन मन। ट्रिगर दबाया गोली सिर के हुई थी पार अंतिम प्रणाम किया धरती को मन मन। वृक्ष ने दिया सहारा गोद में बिठाया निज तड़प के पत्ते गिरे उजड़ गया चमन। अरे शोक बिहबल सूर्य देव यसमय छिपे अरे छा गया अंधेरा चीखा जोर जोर से गगन। और धर्मराज आए रथ पे सवार रोते हुए बोले चलिए आजाद तुमको मेरा नमन। भोज की इन पंक्तियों को ओजस्वी रूप में कहने वाले ये कवि हैं यूपी पुलिस में तैनात एएसआई माता शारदे की विशेष कृपा प्राप्त इस शख्सियत के लिखे गीतों पर बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण ने आवाज भी दी है। साथ ही यूपी पुलिस के मजबूत अधिकारी यानी कि डीजीपी के हाथों इनको सम्मान भी मिल चुका है। वर्तमान समय में बाराबंकी में तैनात अशोक पांडे आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राज्य सरकार सहित सैकड़ों पुरस्कार से सम्मानित विलक्षण प्रतिभा के धनी सुल्तानपुर की माटी में जन्मे अशोक पांडे अनहा से कीजिए खास मुलाकात। सोशल मीडिया मीडिया में अक्सर पुलिस विभाग की चर्चा होती है, पुलिस कर्मियों की चर्चा होती है और लगातार उन पर तोहमत लगाए जाते हैं, लगातार उनके ऊपर तमाम आरोप आते हैं जिस कारण से वो चर्चा में रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पुलिसकर्मी होते हैं जो विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से वो चर्चाओं में नहीं आ पाते हैं। कुछ ऐसे ही वीडियोस, कुछ ऐसी ही खबरें हम आपको लगातार दिखाते हैं, ऐसे लोगों से रूबरू कराते हैं और आखिरकार आज हमने फिर एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी पुलिसकर्मी को ढूंढा है जो अपने आप में विलक्षण हैं, कलम के मजबूत हैं और उनकी रचनाएं पूरी देश दुनिया में पढ़ी जाती हैं। तमाम किताबों का संग्रह है, पुरस्कारों का एक बहुत बड़ा अंबार उनके घर पर लगा है। हमारे साथ मौजूद हैं जनपद बाराबंकी में पुलिस लाइन में वाचक यानी कि रीडर के पद पर तैनात अशोक पांडे अनहत जी। संभवतः आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा और अनहत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनहत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आपसे कुछ बात करेंगे, आपके जीवन के बारे में कुछ बात करेंगे और किस प्रकार की इन्होंने रचनाएं की हैं, किस प्रकार के इनको पुरस्कार मिले हैं, सुनेंगे अशोक पांडे अनहत की जुबानी। ये आप तमाम किताबों के ढेर हमारे हाथ में देख रहे हैं, किताबें वैसे तो जीवन का आधार होती हैं लेकिन इन किताबों पर लिखने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं अलग है। अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं, देवघर से प्रयागराज, भारत के उस पार और मुक्तक संग्रह, तमाम पुस्तकें हर अधर गाय इन्होंने लिखी हैं। पांडे जी पुलिस विभाग में रहकर कविता संग्रह और इस तरह के वृत्तांत, कैसे शुरुआत हुई इसकी? ये नितेश जी, मैं विद्यालय के दिनों में 91 महीने में मैंने बीए में एडमिशन लिया था। उस समय विद्यालय की एक पत्रिका प्रकाशित हो रही थी, उसके लिए पहली रचना मैंने की थी। उससे पहले भी कुछ रचनाएं हुई लेकिन वो याद नहीं रही, उनको मैंने एकत्रित नहीं किया। और बस उसके बाद 92 में सेवा में आया, लेखन चलता रहा। 2001 में मेरी पहली किताब आ गई और उसके बाद सिलसिला जारी रहा, 9 किताबें अब तक आ गई। अमेजोन पे धूम मची पड़ी है, आपकी किताबें हर तरह दिख रही हैं। हमने भी कई किताबों को पढ़ा, कई आपके लेखन को देखा, एक अजीब तरीके का लेखन है, बहुत लोगों को टच कराता है, सीधे उनसे आप जोड़ते हैं, यात्रा वृत्तांत भी आप लिखते हैं, तो ये तमाम विधाओं में लिखने का हुनर ये कहाँ से आया? ये मैं कहूँ तो ये महादेव की छत्र छाया में हम लोग, इनकी कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है। अलग अलग विधाओं की किताब मैंने लिखी, मुक्तक संग्रह, दोहा संग्रह, गीत संग्रह, घनाक्षरी छंद संग्रह और छंदमुक्त विधा की भी बात होती है निराला जी द्वारा जो विधा प्रतिपादित की गई, उसमें भी मेरी एक पुस्तक खामोशी चुप कहाँ आई। तो लगभग प्रत्येक विधा में लिखता रहा मैं, ये माँ की ही देन है और प्रयास रहा कि शिल्प पे लिखूं, जिसका जो नियम होता है, जो शिल्प होता है, उस शिल्प में लिखूं। बिल्कुल।
और दो यात्रा वृत्तांत भी आ गए, गद्य में भी दो पुस्तकें आ गई इसी तरह, बस उन्हीं की कृपा, और मन में आया तो लिख डाला जो मन। लेखन लेखन विधा तो आपकी विशेष रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा विशेष रहता है आपका लिखने का तरीका। आपसे बात करते हुए चर्चा में ऐसा आया, आपने बताया कि आप चलते चलते आपके दिमाग में लाइनें आ जाती हैं, आप उसको लिख देते, तो कहीं लगता नहीं है कि लेखक के लिए, तमाम देखते हैं कि आधुनिक इस जमाने में लोग कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर लिखते हैं, मोबाइल पर लिखते हैं, और आज के समय में भी आप पोथी पत्र लेकर कलम से लिखते हैं, कैसा लगता है ये अनुभव? वो बड़ा आसान लगता है मिश्रा जी। जी, कलम से कागज पर लिखना जो हमारी पारंपरिक विधा है, जी वो बड़ा आसान लगता है, चूंकि लैपटॉप और मोबाइल पे लिखना आसान तो है जी, लेकिन जो शुरुआत से जो आदत रहे तो उस तरह से उसमें कागज कलम लेकर लिखना एक आसान, और उसके अलावा जैसे चल रहे हैं रास्ते में हैं कहीं, ज़्यादातर आपने सही कहा मेरी रचनाएं ज़्यादातर तो चलते ही हो गई, कई गीत मैंने चलते हुए लिख डाले, मोटरसाइकिल से चल रहा हूँ या अन्य किसी वाहन से चल रहा हूँ या बैठा हूँ वाहन में। यहाँ तक कि हमने जब आपसे मुलाकात की तब भी आप अपना कलम लेकर जुटे हुए थे। जी तो इसी तरह से जब मन में आया, कागज कलम उठाया, हमेशा कागज कलम साथ में रहती है, निकाला, एक पंक्ति मन में आई लिख डाला, कुछ दूर आगे बढ़ा, दूसरी पंक्ति मन में आई, और इस तरह से एक रचना तैयार हो गई। तमाम रचनाएं करते हैं, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक कोई छोटी सी रचना जो आपकी सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध रही हो, जी, लोगों ने पसंद किया हो जी, हम उसको बताएं, उससे बेहतर है आप अपने ही मुख से उसको जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। मैं लेखन तो लगभग हर विधा में करता रहा, कई विधाओं में जी। वर्तमान समय में श्री राम जी और रामचरित मानस पर बड़ी लंबी बहस छिड़ रही, तो हम चाहते हैं कि अनाज जी श्री राम जी के ही महिमा का कुछ बखान करें। भगवान राम को स्मरण करता हूँ, एक छंद मेरा है, घनाक्षरी छंद बहुत पहले मैंने लिखा था, और उनको मेरा संदेश है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं जी, कि राम 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 जपिए सदैव जीवन कभी भी ये यकारत न जाएगा। क्या बात है कि राम 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 जपिए सदैव जीवन कभी भी ये यकारत न जाएगा, रावणी को वृत्ति निज मन से निकालोगे तो मध्य राम आके खुद ही समाएगा। क्या बात है, अरे राम प्रभु राम प्रेम राम युग सृष्टि राम, राम जिस रूप में देखोगे वही भाएगा, राम जिस रूप में देखोगे वही भाएगा, राम के बताए मार्ग पे चलो सदैव तब राम राज स्वयमेव यहाँ लौट आएगा, राम राज स्वयमेव यहाँ लौट आएगा। तो उनसे निवेदन है कि भगवान राम के बताए मार्ग पर चलें और इस तरह की अनर्गल बातें क्षणिक लाभ के लिए ना करें, भगवान राम थे, भगवान राम है, भगवान राम रहेंगे, न भूतो न भविष्यति। एक बहुत ही, कहते हैं कवि और पत्रकार के जो चक्षु होते हैं, जो उनकी भाषा होती है, जो उनकी कलम होती है, वो बड़ा संदेश दे देती है। कवि महोदय ने यहाँ एक बड़ा संदेश ऐसे लोगों को दे दिया है जो क्षणिक सुख के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईष्ट देवताओं पर टिप्पणियां कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं समाज में एक विद्वेष की भावना उत्पन्न हो रही है। आपने एक कविता प्रस्तुत की और कहते हैं कवि अगर कोई कविता करे, कोई कलाकार अगर अपना प्रदर्शन करे, तो उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है सम्मान। जी। तो वर्तमान समय में इंटरव्यू चलते समय तो हम आपको कोई सम्मान उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपके इस जीवन वृत्तांत में आपको किस प्रकार के सम्मान अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। जैसा कि हमारी खोजी निगाह कहती है, हमारा खोजी कैमरा जहां तक पहुंच रहा है, जी, उसके हिसाब से आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी सम्मान मिला है, आपकी किताबों में जैसा कि वर्णित है, हम चाहते हैं कि आपको जो प्रमुख सम्मान मिले हैं वो आप स्वयं हमें बताएं। मिश्रा जी, आप मुझे, आपको कहीं से पता लगा कि अनहद जी यहां पर हैं बाराबंकी में, आप खोज कर मुझसे मिले, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है, आपने एक मुझे सम्मान दे दिया जी। और रही बात जो सम्मान पुरस्कार मिलने की, तो मेरा लेखन 2001 में जैसा मैंने बताया पहली किताब मेरी आई थी अंतर्मन की अभिव्यक्ति, उसके बाद से ये सिलसिला जारी रहा, 9 किताबें आ गई हैं जी। अभी अंतिम किताब मेरी 2023 में इसी महीने में जनवरी में ही छपके आई है, और वो इसी बाराबंकी की ही देन है, इसी कोठरी में यहीं बैठकर मैंने उस पुस्तक को लिखा, अपनी ड्यूटी के अलावा जो समय निकाला जी। तो अब तक लगभग 150 से अधिक सम्मान और पुरस्कार मुझे कुल पूरे देश से, चेन्नई, उदयपुर, राजस्थान और पूरे प्रदेश के अन्य अन्य जनपदों से जी, कुल मिलाकर 150 से अधिक पुरस्कार सम्मान मुझे प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रमुख हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र पुरस्कार भारत स्तर पर जो मुझे दिया गया था जी, भावराज से देवरस सेवन्यास के द्वारा, ये 2006 में मुझे दिया गया था, और एक कवि को देना था
वो मुझे प्राप्त हुआ था पूरे देश में। और वर्ष 2008-06 में ही मुझे डॉक्टर सुमंगल सिंह सुमन पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ। बड़ी प्रसिद्ध संस्था है उत्तर प्रदेश की चेतना साहित्य परिषद, और लगभग 45-44 वर्ष पुरानी संस्था है। जी जी। इसने भी मुझे अपना जो महत्वपूर्ण पुरस्कार चेतना श्री और चेतना रत्न, ये दो सम्मान दिए। श्रेष्ठ युवा रत्नाकार सम्मान मुझे प्राप्त हुआ 2001 में। जी जी। 2012 के आसपास मुझे ये उत्तर प्रदेश युवा रत्न सम्मान, इस तरह से कुल मिलाकर पुरस्कारों की एक बिल्कुल समझ लीजिए गोदाम बना कर रखे हैं। बहुत सम्मान पुरस्कार मिल गए हैं। नहीं, वो तो खैर आपकी भाषा और आपकी पुस्तकों का जो हमने पढ़ा, हमने देखा, जिस प्रकार की भाषा शैली है, तमाम सकारात्मक संदेश। एक कवि के तौर पर वर्तमान समय में कविताओं का एक व्यवसायीकरण चल रहा है, बाजारीकरण चल रहा है, वीडियो बेचे जा रहे हैं। पहले का सम्मान, पहले की कविताओं में अब वर्तमान समय में कितना अंतर आ गया। नाहत जी, आप काफी पुराने समय से कविताएं कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कितना अंतर है? मिश्रा जी, विसंगतियां तो हमेशा रही हैं, पुराने समय में भी थी, आज भी हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा इसलिए दिखती हैं कि कविता के प्रति लगभग प्रत्येक व्यक्ति को रुचि हो गई है, प्रत्येक व्यक्ति कवि बनना चाहता है। लेकिन कविता करना आता उसी को है जिस पर महादेव की और माँ सरस्वती की कृपा होती है, तो अंतर तो है। और चूंकि जब व्यवसायीकरण किसी चीज़ का हो जाता है तो उस क्षेत्र में विसंगतियाँ कुछ ज़्यादा ही आने लगती हैं, लाजमी तो है। कविता का भी व्यवसायीकरण हो चुका है, मंचों के माध्यम से कवि अपने को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, और प्रस्तुत जनता, जो ऐसा नहीं कि जनता सब अनाप शनाप ही सुनना चाहती है, जनता को जो आप देंगे अच्छी चीज देंगे। हम लोगों ने खूब पढ़ा मंच जी, जी बिल्कुल, और अच्छी चीज पढ़ा जनता ने। कविताओं का ये जब मंच पर कवि होता है तो एक बड़े सम्मान की नजर से उसे देखा जाता है, क्योंकि जानते हैं कि जब वो कुछ बोलेगा तो तमाम जो लोग सामने बैठे उनके सामने एक सार्थक संदेश जाता है। जी जी। वर्तमान समय में तमाम ऐसे लोग हैं, जैसे प्रभु श्री राम के चरित्र को आपने बखान किया, वैसे कई लोग भी हैं वो बखान कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से राम जी को प्रस्तुत कर रहे हैं, रामायण को स्वरचित ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता नहीं कि कवियों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और विशेषकर पौराणिक जो हमारे क्षेत्र हैं, पौराणिक जो हमारे पुराण हैं, धर्मग्रंथ हैं, बिल्कुल इनसे तो कतई छेड़छाड़ करने की जरूरत। गुरु बनने के चक्कर में, अपने को बड़ा सिद्ध करने के चक्कर में, इन धर्म ग्रंथों के प्रति, अपने इष्टों के प्रति, अपने देवताओं के प्रति, अपने धर्म के प्रति तो बिल्कुल परंपरा से हटकर तो जाना ही नहीं चाहिए। ये निश्चित रूप से गलत किया जा रहा है जो आज ऐसा जो, और हमें लगता है जब इस प्रकार का होता है, इस प्रकार के बखान होते हैं, स्वतः के जो शोध होते हैं, जो किसी भी प्रकार के उनका कोई आधार नहीं होता, स्वतः शोध करके जो बताते हैं, उन्हीं के कारण ये तमाम तरह के जो वर्तमान समय में समस्याएं उत्पन्न हो रही, तमाम तरह के बयान आते हैं, वो इसी का कारण प्रमुख बनता है। यही बिल्कुल यही कारण है। और हमारे जो पुराण पुरुष थे, ऋषि मुनि ये सब थे, तो ये बहुत विद्वान थे जी। हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन उनसे बड़े नहीं हो सकते हैं। उन्होंने पता नहीं क्या क्या खोज के उसी समय रख दिया था। हमारे भरद्वाज जी ने विमान शास्त्र लिखा, बिल्कुल वो आज शायद उपलब्ध नहीं है। जी जी। उसमें हम उसकी बात करते हैं, जो एक आजकल का जो विमान एक बताते हैं कि आता हो गायब हो जाता, क्या उसको कहते हैं हम? जी जी। अमेरिका के द्वारा और अन्य देशों के द्वारा कहा जाता है, लेकिन उन सब विमानों की चर्चा हमारी उस विमान शास्त्र नामक पुस्तक पूर्व में है। तो आज कौन विमान शास्त्र लिख सकता है? और ऐसे ऐसे विमान जो चलते हुए अदृश्य हो जाएं, ऐसे पुष्पक विमान की भी चर्चा है उसमें। कितने भी लोग उसमें, 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग, 5,000 लोग बैठ जाएं, लेकिन हमेशा एक दो सीट अतिरिक्त रहेगी, खाली रहेगी। तो हमको तो नहीं लगता कि हम उनसे बड़े हो सकते हैं, इसलिए हमें विद्वता झाड़ने की आवश्यकता नहीं। हम उनसे कहना चाहेंगे जो हमारे विद्वान बनने के चक्कर में आजकल लोग घूम रहे हैं जी। तो ऐसे धर्म ग्रंथों पर, धार्मिक चीजों पर अपनी तरफ से कोई व्याख्यान नहीं देना चाहिए। बड़ा कड़ा संदेश आपने दे दिया है, और हम आशा करते हैं कि जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपकी बात समझेंगे, और जो आप सारगर्भित संदेश देना चाहते हैं वो उन तक पहुंचेगा। कविताओं पर ही वापस लौटते हैं जी। लेखन विधा में आप माहिर हैं, बैठे बैठे कविताएं लिख देते हैं। समय उदित नारायण जी ने आपके गाने को आवाज दी और उसको आप लिखने वाले थे, क्या वो माजरा था? सरकार भी उस समय बदल रही थी और वो गाना काफी चर्चा में रहा।
ये लखनऊ एंथम की चर्चा आप कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। लखनऊ गान उस समय शायद उस समय की सरकार द्वारा प्रस्तावित था और दैनिक जागरण ने इसका संयोजन किया था। गीत मांगे गए पूरे भारत के रचनाकारों से, उसमें गीत आमंत्रित हुए गीत दैनिक जागरण के माध्यम से। मैंने भी अपना एक गीत लिख के तत्काल भेज दिया था उसमें जी। और दैव कृपा से नौ विद्वानों की समिति में वो गीत चयनित भी हुआ, छः गीत चयनित हुए। वो छः गीत दैनिक जागरण में कई दिनों तक प्रकाशित हुए, उन पर वोटिंग हुई और संयोग से मेरे गीत को ज़्यादा वोट मिले तो उसको लखनऊ एंथम के रूप में चुना गया, लखनऊ गान के रूप में चयनित हुआ वो गीत मेरा जी। जिसको उदित नारायण जी ने गाया, आदेश श्रीवास्तव जी अब तो नहीं है, उन्हें हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, बहुत अच्छे संगीतकार, उन्होंने उस गीत को संगीत दिया था और मैं उस गीत का गीतकार था। 2012 की बात है, ये बड़ी बात है एक। हाँ, और हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे बाराबंकी जनपद में आप जैसे पुलिसकर्मी तैनात हैं जो वर्तमान समय में ASI के पद पर हैं। यहाँ पर बात आती है पुलिस विभाग की, तो खाकी जैसे बेरंग से आप लोगों का जीवन जो ढका होता है, हालांकि पुलिस की नौकरी एक स्वतः ही सेवा होती है। जी जी, पुलिस विभाग में रहकर आप तमाम रचनाएं लिख रहे हैं, तमाम प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, पुलिस विभाग के अधिकारियों का सहयोग किस प्रकार से आपको मिलता है? मिश्रा जी, निश्चित रूप से पुलिस विभाग के अधिकारियों का बहुत सहयोग रहा हमारे साथ। मैं 92 में PAC में भर्ती हुआ था और मैं DGP महोदय के साथ वहीं से अटैच था, संबद्ध था जी। 13 वर्षों तक मैंने DGP कार्यालय में रहकर DGP महोदय के साथ, A2 DGP महोदय के साथ वहाँ नौकरी की है। साहित्य के लिए मुझे वहाँ से भी बड़ा समय, बड़ा प्रोत्साहन मिल जाता था हमारे अधिकारियों के द्वारा, बराबर निरंतर प्रोत्साहन रहा तभी मैं कुछ कर सका हूँ। और ड्यूटी भी ईमानदारी से की है, ड्यूटी करके उसके बाद जो अतिरिक्त समय है उसमें मैंने हमेशा लेखन का काम। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर विभागीय तो आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा विभाग माना जाता है, एक वैवाहिक जीवन की परिचर्चा अगर करें तो गृह मंत्रालय से जिस तरह से सपोर्ट मिलना होता है, उस व्यवस्था को कैसे आप प्रबंधन करते हैं, परिवार को संभालना, फ्री समय में कविताओं को लिखना, नौकरी ड्यूटी आवर्स में आपको ड्यूटी बजानी है, उसमें भी कोई तरीके से आप छूट नहीं दे सकते हैं, उसको कैसे संभालते हैं और उधर से किस तरह से सहारा मिलता है? बहुत सौभाग्यशाली रहा मैं मिश्रा जी, इस क्षेत्र में भी धर्मपत्नी बड़ी सुशील मिली जी और उनका भी पूरा सहयोग रहा। आपने बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, क्योंकि अगर घर से व्यक्ति पीड़ित है, प्रताड़ित है बिल्कुल, तो इस तरह के अतिरिक्त कार्य नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नौकरी भी मैनेज करनी है और साहित्य भी लिखना है, मंच भी अटेंड करने हैं, कविता भी, ड्यूटी भी करनी है आके जी। तो परिवार का बहुत सहयोग रहा, आधी रात को मंच करके मैं 3 बजे लौट रहा हूँ और 5 बजे 6 बजे निकल जा रहा हूँ, बराबर पत्नी के द्वारा भी और बच्चों के द्वारा भी बराबर सहयोग रहा इस क्षेत्र में, तभी ऐसा कुछ कर पाया हूँ। बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं, हमारी ईश्वर से यही कामना है, यही प्रार्थना है कि जिस तरह से आप जनता की सेवा में तत्पर हैं, पुलिस विभाग की नौकरी कर रहे हैं, साथ ही लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्रभु श्री राम का बखान कर रहे हैं, कविताओं के माध्यम से एक जन जागृति भी जगा रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं, द कैमरा 1999 टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बाराबंकी में अशोक पांडे अनहाज जी हैं जो ASI के पद पर हैं और वर्तमान समय में पुलिस लाइन में वाचक यानी कि रीडर के पद पर तैनात हैं। आपने इनसे चर्चा तो सुनी ही, आप जान गए होंगे कि कितने विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और निश्चित ही उन्होंने वो तमाम बड़े संदेश दिए हैं कि लेखन विभाग का जो बाजारीकरण चल रहा है उससे कहीं ना कहीं समाज में एक समस्या आ रही है जो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक बड़ी विभीषिका बनकर तैयार होगी। साथ ही उन्होंने अपने छंदों एवं कविताओं के माध्यम से ऐसे लोगों को संदेश दिया है कि पुराने पौराणिक महाकाव्यों से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करते हुए अपने आप को स्वयं सिद्ध कवि बनाना, सिद्ध करना बंद कर दें। बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह बाबा के साथ मैं नितेश मिश्रा।